9:59 चुके हैं और थिएटर पूरा फुल है। तो ये है होली का असर, ये कल थी होली और ये देखो मेरी स्कूटी का हाल पूरे रंग बिरंगी हो गई है बाकायदा। अच्छी लगी फिल्म? अच्छी लगी नहीं, रियल स्टोरी है जो पूरी कहानी है ना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। माय नेम इज अभिषेक, वेलकम टू ओए अभी। उम्मीद है आप लोग सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे होंगे जो आपको खुशी देता होगा। बहरहाल आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज दिन शनिवार का वक्त हो चला है, एग्जैक्ट 8:18 और मेरी शिफ्ट खत्म हुई है। उसके बाद क्या है कि जब छुट्टी के दिन होते हैं तो नींद नहीं आती मुझे दिन में, और मेरा बहुत टाइम से पेंडिंग भी है, आज 2 हफ्ते हो गए हैं इस फिल्म का आए हुए, और फाइनली मैंने अचानक से टिकट बुक कर दिया है। 9 बजे का शो है और मैं देखने जा रहा हूँ द कश्मीर फाइल्स। और भाई सुबह 9 बजे का शो और पूरा थिएटर बुक है, एक सीट पड़ी थी मैंने वो बुक कर ली, तो बुक कर दिया। फटाक से चलते हैं, विस्की ऑलरेडी वहां पर तैयार हो चुका, उसे अंदाजा लग गया कि मैं निकल रहा हूँ, तो फटाक से चलते हैं। मोटर भी चलाना, मोटर चलाना ना मम्मी, पानी भी खत्म हो गया, मोटर भी चलाते हैं फटाक से चल के और लेट्स गो। तो ये है होली का असर, ये कल थी होली और ये देखो मेरी स्कूटी का हाल पूरे रंग बिरंगी हो गई है बाकायदा। इससे मिलवाते हैं आपको, ये हमारा मैक्स और ये जानी दुश्मन है विस्की का। उसने मेरे को इसके साथ देख लिया ना तो आ ही नहीं रहा है मुझसे, मुझे देखने ही नहीं आ रहा। वैसे जब भी मैं निकलता हूँ तो यहाँ पे खड़ा रहता है, लेकिन जब भी वो मुझे इसके साथ देख लेता है ना मैच के साथ में, तो फिर वो भाई बिल्कुल ही पागल हो जाता है। अब देखो अंदर भाग रहा, अंदर आ ही नहीं रहा है, कह रहा हूँ तुझे देखूंगा ही नहीं। क्यों नहीं आ रहा, गुस्सा दिखा रहा है। स्कूटी के जूस पीने का वक्त हो चला है, अब स्कूटी पिएगी हमारा जूस, और जूस जो स्कूटी का है वो चल रहा है मात्र कितने भी लीटर चल रहा है ये जूस, 99.7 रुपए ग्लास स्कूटर का जूस चल रहा है इन दिनों। तो सोच के देखो ये कितना महंगा जूस पीती है। तो स्कूटी को अब हम जूस पिलाएंगे और उसके बाद हम भी थोड़ा सा पी लेंगे क्योंकि नींद बहुत तगड़ी सारे लगी है, मैं पूरी रात जगा हुआ हूँ। और सबसे बड़ी बात ये कि मैं अपना चश्मा भूल गया, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सो वक्त हो चला 8:52 एग्जैक्टली और मैं पहुंच चुका हूं क्राउन इंटीरियर्स मॉल, और यहां पर जो फिल्म लगी हुई है वो है द कश्मीर फाइल्स, और आज बच्चन पांडे भी रिलीज हुई है। तो यू नेवर नो कि इसका बच्चन पांडे का कितना असर पड़ने वाला है उस फिल्म के ऊपर, इसका कुछ पता नहीं है। लेकिन वो फिल्म मतलब अभी मैंने जो टिकट बुक करा था पूरा हाउसफुल था, एक दो सीट्स मुश्किल से अवेलेबल थी, वही मैंने अपने लिए बुक कर ली। हालांकि पिक्चर में कल भी देखने जा रहा था पर कल कुछ कारणों की वजह से मतलब मैं नहीं जा पाया क्योंकि कुछ काम पड़ गया था। तो आज जैसे मेरी शिफ्ट पूरी हुई मैंने सोचा सबसे पहले चल के फिल्म देखते हैं, क्योंकि इसका जो हाई इसकी जो हाइप है ना बहुत ज़्यादा है, जो वर्ड ऑफ माउथ है बहुत ज़्यादा मिल रहा है, तो मेरे को बहुत मन कर रहा था इस फिल्म को देखने का। तो अब फटाक से चल के फिल्म देखते हैं, आपको रिव्यू देता हूँ कैसा क्या है। बाकी अभी वक्त ज़्यादा हुआ नहीं तो आप देख सकते हैं कि पूरा क्राउन इंटीरियर्स मॉल जो है पूरा बंद पड़ा है, शॉप सारी क्लोज है अभी मेरे पीछे अगर आपको मॉल दिख रहा हो। हाँ लेकिन फिल्म को देखने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई मतलब एक हुजूम सा उमड़ पड़ा इस फिल्म को देखने के लिए, काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं ऑलरेडी लिफ्ट के पास में। बट विल चूज स्टेयर्स और स्टेयर से चल के देखते हैं कैसा क्या है। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि मॉल बंद है लेकिन लोग फिल्म देखने आ रहे हैं, जो मतलब हुजूम है इस फिल्म को देखने का बहुत ज़्यादा बड़े। देखिए मैंने सभी लोगों से बात की, सारे लोग द कश्मीर फाइल्स देखने आए हैं। हालांकि आज बच्चन पांडे रिलीज हुई है उसका कुछ खास असर दिख नहीं रहा इस फिल्म पर। अब मैं एक्साइटेड हूँ फिल्म को देखने के लिए बहुत ज़्यादा, देख कर मैं आपको अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ कैसा क्या है मसला। शुरू होने में बस शुरू ही हो गई, ऑलमोस्ट 9 बज चुके हैं, कुछ ट्रेलर और फिर फिल्म। चलो सी यू आफ्टर द फिल्म, बाय। ओके सो द कश्मीर फाइल्स आखिरकार मैंने फिल्म देख ली। ये तीसरा हफ्ता है इस फिल्म का, तब जाके मैंने ये फिल्म कंप्लीट कर दी, देख पाई। और अभी टाइम हो रहा है 6:06 में बस सो के उठा हूँ और पानी पिया, मुँह धो के आपसे बात करने आ गया। अमूमन क्या होता है जब आप कोई फिल्म देखते हैं तो उसका कुछ हिस्सा आपके साथ रहता है। मैंने द कश्मीर फाइल्स देखी और ये उस तरह की फिल्म है जैसे जिसे देखकर आप ये नहीं बोलेंगे कि उसकी सिनेमाटोग्राफी ऐसी है या एक्टिंग उसमें ऐसी है, उसका डायरेक्टर ने ये डायरेक्ट करा है, ऐसा कुछ नहीं था। एक बहुत ही अलग तरह की फिल्म और
जब मैं थिएटर से निकला तो मेरी तरह जो बहुत सारे लोग थे, मैंने कभी ऐसा माहौल नहीं देखा था किसी फिल्म को देखने। अभी मैंने जोकर देखी थी जिसको देखकर लोगों ने, मतलब जैसे फिल्म ख़त्म हुई तो लोगों ने तालियां बजाई थी, और अभी मैंने देखी कश्मीर फाइल्स। तो इसके बाद अमूमन हर बार की तरह फिल्म शुरू होने से पहले नेशनल एंथम बजा, फिल्म ख़त्म होने के बाद थिएटर में भारत माता की जय के नारे लग रहे थे, वंदे मातरम हो रहा था, जो कि एक अच्छी बात है कि देश के लिए लोग इतना, मतलब एक वो उनका अंदर से एक इमोशन फूट पड़ा। अब इस मुद्दे पर अभी तक बहुत सारी फिल्में बनी हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये कोई पहले फिल्म नहीं है, इसके ऊपर पहले बहुत सी फिल्में बनी हुई हैं, जेनोसाइड्स पर बहुत सी फिल्में बनी हुई हैं, उस पर पहले इतना हाय हल्ला नहीं हुआ, लेकिन ऐसा क्या है कि इस फिल्म पर अब हाय हल्ला हो रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि इसका एक बहुत बड़ा रीज़न सोशल मीडिया हो सकता है, क्योंकि जब पहले फिल्में आई तो शायद इंटरनेट इतना आसानी से अवेलेबल नहीं था, अब इंटरनेट आसानी से अवेलेबल है तो लोग खुलकर अपनी बातें रख रहे हैं। ये व्लॉग शूट करो तो शायद मैं ये यूट्यूब अपलोड नहीं कर पाता क्योंकि इंटरनेट इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं होता, और शायद मैं ये अभी जो कर रहा हूँ ये थोड़े साल पहले ये पॉसिबल नहीं हो पाता अगर इंटरनेट इतना आसानी से मुझे नहीं मिल रहा होता। तो उस वक्त की सरकार ने क्यों कोई कदम नहीं उठाया, क्यों ये मुद्दा अभी एक अभी कुछ ऐसे एक दो लॉ आ रहे थे जिसकी वजह से अभी दंगे हुए थे पूरे देश भर में, ऑलमोस्ट दिल्ली में इतना बड़ा दंगा हुआ, वो दंगा डर की वजह से हुआ कि लोग डरे हुए थे। तो सोच कर देखिए कि लोगों को सिर्फ इस चीज़ का डर था कि उन्हें अपने घर छोड़ के जाने पड़े, ऐसा एक डर का माहौल बना था जिसकी वजह से अभी पूरे दंगे होते। कश्मीरी पंडितों के साथ तो सच में हो गया, वो चीज़ उनके साथ सच में हुई है। मतलब आप सोच के देखो कि क्या मंजर रहा होगा उस टाइम पर। मतलब आप इस चीज़ को शब्दों में बयां नहीं कर सकते कि वो किस उन्होंने साक्षात क्या देखा होगा अपनी आंखों से, उनके घर वालों के साथ कितना गंदा हो रहा होगा, वो भी किस चीज़ पे, धर्म के नाम पर, सिर्फ धर्म के नाम पर, उसके अलावा और कोई रीज़न नहीं था, सिर्फ धर्म के नाम पर उनके साथ वो सब हो रहा था। कश्मीरी पंडित मतलब जिनका वो लैंड था, कश्मीर के लोगों का, वो कश्मीर के लोग थे और कश्मीर के लोगों ने ही उनके साथ ये किया। अब हमारे यहाँ बहुत से पढ़े लिखे लोग हैं, उनका अपना एक थॉट प्रोसेस है, कुछ सेक्युलर लोग हैं, उनका अपना एक थॉट प्रोसेस है इस मुद्दे को लेकर। अभी एक नया नया वर्ड चलने लगा है अंधभक्त, उनका अपना एक थॉट प्रोसेस है। एक और कैटेगरी है लोगों की जिनका नाम है अंध विरोधी, अंधा विरोध करते हैं, उन्हें सिर्फ विरोध करने से मतलब है कि हाँ भाई ये इस सरकार ने करा है तो वो गलत ही है, इस तरह के लोग भी हैं और आप इससे असहमत नहीं हो सकते। ये लोग हैं कि अगर ये सरकार कोई चीज़ करी तो वो गलत ही होगी, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। खैर ये अलग मसला है अच्छे बुरा होना, लेकिन इतने सालों से इस मुद्दे को, इतने बड़े मुद्दे को कितना दबा के रखा गया। मतलब आपने सुना है जैसे कोई कश्मीरी पंडित का नाम लेता ना तो ऐसा लगता है कि कोई छोटी सी बात है, लेकिन जब कोई एक छोटी सी बात भी होती ना तो इतना तूल पकड़ा हुआ होता है चीज़ों ने। लेकिन जब एक खास वर्ग की बात होती है तो हर कोई चुप ही रहता है। क्यों कश्मीरी पंडितों को लेकर कोई बोलता नहीं है, पता नहीं सरकार कभी कुछ करती नहीं है। कश्मीर फाइल्स का विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि फिल्म में आधा अधूरा सच दिखाया गया है, पूरी बातें नहीं दिखाई गई हैं, सिर्फ कश्मीरी पंडितों को लेकर दिखाया गया और भी बहुत सारे लोग मरे थे उनको लेकर कुछ नहीं दिखाया गया। तो जब एक फिल्म बनती है तो लिमिटेड टाइम होता है, 3 घंटे का टाइम होता है और एक खास सब्जेक्ट को लेकर फिल्म बनती है। जब कश्मीरी पंडितों को मारा गया, उनको सिर्फ धर्म के नाम पर मारा गया था, जो मारा गया था, और आप इस चीज़ को नकार नहीं सकते, आप सच को नकार नहीं सकते। आप अपने बहुत सारे फैक्ट्स डाल देंगे उसमें और फिर आप बोलेंगे, क्योंकि जब भी कोई एक टॉपिक को बात लेकर बात करते ना 50 टॉपिक जोड़ देते कि हाँ। लेकिन आप कश्मीरी पंडितों को
अब बहुत से लोग बोल रहे हैं कश्मीरी पंडितों को लेकर सिर्फ दिखाया गया और चीज़ों को लेकर नहीं दिखाया गया। भाई फिल्म ही उनके ऊपर बनी है तो उन्हीं के ऊपर तो दिखाया जाएगा। आपको और चीज़ों को दिखाना तो आप उस पर फिल्म बनाओ। 5 लाख लोग विस्थापित हो गए, उनको अपने घर से निकाल दिया गया, उनके साथ वहाँ पर क्या क्या हुआ था सोच भी नहीं सकते। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस फिल्म को देखकर एक खास वर्ग के प्रति नफरत बढ़ेगी। इस बात से मुझे ये बहुत ही बड़ा कुतर्क है। अब आप ये बोलेंगे कि जब अंग्रेज़ों के ऊपर पिक्चर बनती है तो अंग्रेज़ों के प्रति नफरत होती है, या फिर यहूदियों के ऊपर कोई पिक्चर बनती है तो जर्मन से या फिर हिटलर के प्रति नफरत बढ़ती है। भाई नफरत बढ़ेगी तो आप उसको जैसे सच थोड़ पा दोगे। उनकी वो भाई जम्मू कश्मीर की ठंड बर्फ़ में रहने वाले लोग, उनको कहाँ गर्मी में डाल दिया गया, वो बेचारे कैसे किन किन बीमारियों से मर रहे थे। तो आप सच थोड़ी ना छुपा दोगे, उनके ऊपर क्या गुजरी, वो किस मंजर से गुजरे आप सोच तक नहीं सकते। आप और मैं सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग ये फिल्म भी अभी कुछ टाइम तक चलेगी, फिर ये मुद्दा भी और मुद्दों की तरह दब जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी फिल्म थिएटर में लग गई है। अब आप ऑब्वियसली द कश्मीर फाइल्स को हम एक फिल्म की तरह तो नहीं देखने जा रहे हैं, एंटरटेन होने तो नहीं जा रहे हैं। हालांकि जिस दिन मैंने फिल्म देखी है उस दिन बच्चन पांडे भी रिलीज़ हुई है। 5 दिनों में फिल्म ने 100 करोड़ का बिजनेस पार कर लिया ऑलरेडी। तो आपका पैसा है आज सैटरडे का दिन है, टिकट्स थोड़े से महंगे होते हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं देख सकते, आपकी मर्जी है। फिलहाल द कश्मीर फाइल्स अभी थिएटर्स में चलेगी और काफ़ी दिनों तक चलने वाली, जिस तरह का हुजूम उमड़ा पड़ा इस फिल्म को देखने के लिए। लेकिन आप सच से मुंह नहीं फेर सकते, चाहे कुछ भी कर लीजिए। गलत को गलत कहने से लोग क्यों डर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता है। जो सेक्युलर गैंग है, एक अंधविरोधी गैंग है, एक अंधभक्त गैंग है, ये सब अलग अलग कैटेगरियाँ बटी हुई हैं, सबके अपने अपने थॉट प्रोसेस हैं। लेकिन डर इस बात का है कि कुछ टाइम तक ये मुद्दा अभी रहेगा और फिर ये भी दब जाएगा। लेकिन जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है उस मंजर को सोच कर ही रूह कांप जाती है। आज भी कश्मीरी पंडित अपने घर वापस नहीं जा पाए हैं, आज भी वो ऐसे ही अपने देश में रिफ्यूजियों की तरह रह रहे हैं। आपको देखने पर पता चलता है कि हाँ फिल्म का बजट थोड़ा सा कम था, जिसकी वजह से वो चीज़ें खुलकर इतनी नहीं आ पाई, कुछ कुछ चीज़ें दिखा पाए। लेकिन ये फिल्म आधा काम तो अपना कर गई। आप किस किस कैटेगरी में आते हैं, आप कहाँ स्टैंड करते हैं वो आप लोग बेहतर जानते हैं। हाँ, उन लोगों से बचे जो ये बोल रहे हैं कि सिर्फ आप कश्मीरी पंडित को लेकर बना दी, और भी इतने सारे मुद्दे हैं। अरे भाई, और मुद्दे की वजह से आप ये मुद्दा नहीं देखोगे क्या? फिलहाल इस मुद्दे पर देख लो, और मुद्दों पर आप फिल्म आएगी तो उसको देख लेना।